जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आई हूँ मासिमपुर कालीवाड़ी और आज सप्तमी है, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी सप्तमी। सब कुछ तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं अंजलि में बिजी रहूँगी और इसके बाद जो जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सीढ़ियाँ ना, मैंने पहले भी कहा है, जितना आप गिनोगे ना इतना नहीं रहता है। आप ऊपर जब जाओगे ना तभी आप 100 गिन कर जाओगे, पर जब नीचे आओगे तभी ना क्या होता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, माँ का एक चमत्कार आप कह सकते हो, नहीं सुना? और मंदिर का महत्व मैंने पहले भी कहा है, मासिमपुर कालीवाड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, माँ यहाँ पर जागृत है। और गाइस, धूप ज़्यादा है। और गाइस, आप लोग तो जानते होंगे मैं ज़्यादा सस्ती सवरती नहीं हूँ, एक जैसा ही हेयर स्टाइल है और सिंपल रहना पसंद करती हूँ मैं। अभी ना कीर्तन चल रहा है और इसके बाद अंजलि का पर्व शुरू होगा। गाइस, तो अंजलि देना हो गया है, अभी हम प्रसाद खाएंगे। हर साल ही खाते हैं और मासिमपुर कालीवाड़ी में जब बड़ा उत्सव होता है ना तभी यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, तो लाइन लेके लोग प्रसाद लेते हैं। तो अभी प्रसाद के लिए लेंगे और मैं भी, तो आपके साथ शेयर करूँगी प्रसाद में क्या क्या है। चलिए, और मेरे साथ जो लेडी आप देख पा रहे हो ना, 15 साल से मैं देख रही हूँ, एक जैसी ही है, कुछ नहीं बदला है, इतना फिगर मेंटेन करती है। सभी प्रसाद खाने बैठे हो, साथ में देखिए बाबू के पापा सभी बैठे हैं। तो
गाइस, यहाँ का ना प्रसाद देने का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ऐसे लाई लेके बैठे और 200 लोग एक साथ खाते हैं प्रसाद में। 200 लोग? हाँ, 200 लोग ऐसे, और नीट एंड क्लीन है। आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा व्यवस्था है प्रसाद खाने का। आश्रम की गुरु है ये। और देखिए प्रसाद में क्या क्या दिया जा रहा है हर दिन ऐसा ना। मातेपुर कालीवाड़ी में इतना टेस्टी टेस्टी प्रसाद होता है। देखिए ये आलू का एक सब्जी है, नहीं भैया आलू का सब्जी। और ये भी राइस देखिए, और बहुत ही टेस्टी होता है गाइस यहाँ का प्रसाद ना। क्या कहूँ, पतला होता है पर बहुत टेस्टी होता है। और देखिए खीर है, चटनी है, और देखिए और इतने सारे लोग देखिए प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं। और इस साइड पे जो बैठे हैं ना सभी आश्रम की है। और मुझे पूछ रहे थे एक मौसा जी कि आपका चैनल है क्या, तो मैं कह रही थी हाँ मौसा जी मेरा एक चैनल है, तो उन्होंने कहा गुड गुड। गाइस यहाँ पे ना जय थली दिया जाता है, प्रसाद अमृत की जय। और प्रसाद अमृत की तरह ही होता है, बहुत ही टेस्टी है ना प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है। और प्रसाद खाने से पहले जय थली दिया जाता। गाइस आप लोग देख पा रहे हो पतला दाल है पर खाने में इतना टेस्टी, क्या बताऊँ, अमृत के समान लगता है प्रसाद। अभी प्रसाद खाएंगे और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। प्रसाद मैंने खा लिया है, प्रसाद बहुत ही टेस्टी था, क्या बताएं। कुछ कहो बाबू, कुछ कहो। टेस्टी है गाइस, सच कहो बहुत ही टेस्टी, क्या कहूँ। और अभी कुछ देर बैठेंगे और फिर घर चले जाएंगे। सुभाष कह रहे कि खाना खाने के बाद अभी आइसक्रीम खाएंगे। वैसे ना मेरा सर्दी है, शुना का भी सर्दी है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम ये चल रहा। गाइस मेरा साड़ी कैसा हुआ है देखिए, वैसे ना सिंपल सा है, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है और मैं ऐसे ही हूँ। गाइस सप्तमी का पूरा लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये सिंपल साड़ी है और मैं भी सिंपल, तो आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आपको मैं कह रही हूँ कि साड़ी में कैरी कर नहीं पाती हूँ। और आइसक्रीम खाते खाते ना मेरा सर्दी खांसी ये सब हो गया है, फिर भी आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। चलिए अभी आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते हुए हम लोग जाएंगे घर। तो सप्तमी का वीडियो यहाँ तक, तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.